नमस्ते दोस्तों, मैं नीता नीता विक्रम के 7th एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी नव दुर्गा के सातवें दिन देवी कालरात्रि की क्या कथा है, उन्हें क्या भोग अर्पित करा जाए, उनका पसंद का कलर क्या है और इस दिन की पूजा का क्या फल होता है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक भी जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं देवी कालरात्रि की कथा के बारे में। असुरों के राजा रक्तबीज के वध के लिए जिन देवी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हें हम देवी कालरात्रि कहते हैं। यह देवी कालरात्रि है। एक समय की बात है, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज इन असुरों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता बड़े चिंतित हुए और वह शिव जी के पास गए। इस पर शिव जी ने देवी पार्वती से प्रार्थना करी कि आप इन राक्षस का वध करिए। तो देवी ने दुर्गा देवी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। पर जैसे ही उन्होंने रक्त बीज का वध करा, उसका रक्त जहां जहां गिरा वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब देवी ने अपने तेज से काली माँ को उत्पन्न करा और उन्होंने जितने ये सब रक्त बीज उत्पन्न हुए थे उन्हें आशीर्वाद था कि जहां जहां उनका रक्त गिरेगा और नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने तो उस समय जब देवी दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी तो जो उनका रक्त था उसको देवी काली ने अपने मुंह में भर लिया और इस प्रकार उस रक्त बीज नामक राक्षस का भी वध हो गया। इस तरह की माँ काली बहुत ही शुभ फल देती हैं, इनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिते नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी का ये रूप बहुत अंधकार बहुत ही काला है, उनके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, वो देखने में थोड़ी भयावह प्रतीत होती हैं। उनके इस रूप में चार हाथ हैं जिसमें से एक हाथ में कटार है और एक हाथ में लोहे का काटा, दो हाथों में मुद्राएं हैं, एक वर मुद्रा और एक अभय मुद्रा। देवी इस रूप में बहुत ही शुभ फल देने वाली प्रतीत हो रही हैं। उनको उनको हम आज के दिन गुड़ का भोग अर्पित करते हैं और इस तरह से हम पूजा करते हैं। इस दिन का शुभ रंग नीला होता है और इस दिन की पूजा करने से आप शोक से मुक्त होते हैं। यह पूजा बहुत फलदायी होती है। माँ दुर्गा का ये रूप बहुत शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए माँ काली को शुभंकारी भी कहा जाता है। देखिए इस दिन की चर्चा मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूं। अगली बार फिर एक नए वीडियो को लेके मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।